वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आई एम योर साइंस टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस ऑफ क्लास थर्ड। एंड टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर 7 वेदर। एंड टुडे वी डिस्कस पार्ट थर्ड ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ सी इन द बुक। सी, दिस इज योर साइंस बुक, साइंस ऑफ क्लास थर्ड। Now open chapter number 7. See here, this is the chapter number 7, weather, ne mausam. So let's open page number 58. This is the page number 58, part 3rd. We start from here. Autumn. So let's start. Autumn is the season when trees shed their leaves. अच्छा, autumn जो autumn है एक season का नाम है। इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो पेड़ों से झड़ जाती हैं। It is the season before the onset of the winter. और ये season बच्चों जब winter खत्म होने लगती है तब आता है, यानी जो पत्ते हैं वो सभी झड़ने लगते हैं। विंटर, विंटर इज द कोल्ड सीजन। जो विंटर यानी सर्दियाँ, ये बहुत ही ठंडा सीजन होता है। द वेदर गेट्स वेरी चिली एज कोल्ड विंड्स ब्लो। विंटर सीजन में जो वेदर होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, क्योंकि इसमें जो हवाएं हैं वो ठंडी ठंडी हवा चलती हैं। इट स्नोज इन द माउंटेन्स, और जहाँ पर माउंटेन वाली जगह होती हैं वहाँ पर बर्फ पड़ती है। देखो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाइट वाइट, ये है बर्फ, क्योंकि ये माउंटेन रीजन है तो ये बर्फ पड़ती है विंटर सीजन में। देखो, ये सभी बर्फ जमी हुई है। सम पीपल ट्रेवल टू द माउंटेन्स जस्ट टू एंजॉय द स्नोफॉल। और कुछ लोग बच्चों सिर्फ स्नोफॉल यानी कि जो बर्फ गिरती है उसे इंजॉय करने के लिए माउंटेन्स वाले एरिया में जाते हैं। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों के सीजन में जो वूलन क्लोथ यानी कि जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं, ठंड से बचाते हैं। टी, कॉफ़ी एंड नट्स आर फेवरेट फूड्स ऑफ दिस सीजन। और सर्दियों के सीजन में बच्चों हम क्या खाना और पीना पसंद करते हैं? चाय, कॉफ़ी, नट्स यानी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनको खाना हम पसंद करते हैं और ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्स बाय वियरिंग वार्म क्लोथ्स और वी माइट कैच कोल्ड। हम अपने आप को हमें प्रोटेक्ट करना है कि अपने आप को हमें सुरक्षित रखना है, बचाना है, तो हमें गर्म कपड़े पहनकर हम अपने आप को गर्म रखते हैं। और नहीं तो क्या होगा, आपको ठंड लग जाएगी। अगर हम गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमें ठंड लग जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को गर्म रखने के लिए, ठंड से बचाने के लिए वूलन क्लोथ्स पहनने चाहिए। नाउ नेक्स्ट सीजन इज स्प्रिंग, जिसे हम कहते हैं बसंत ऋतु। स्प्रिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन। ये सबसे सुंदर सीजन होता है बच्चों। द वेदर इज प्लीजेंट। स्प्रिंग सीजन में जो वेदर होता है यानी कि जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहावना होता है, बहुत अच्छा होता है। इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। और इस सीजन में जो टेम्परेचर होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बीच का रहता है। द ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग स्प्रिंग। और जो ट्रीज होते हैं उन पर नई नई पत्तियाँ आने लगती हैं और फूल पेड़ों पर फूल आने लगते हैं। देखो, ये फ्लावर्स हैं तो फ्लावर्स भी आने लगते हैं, खिलने लगते हैं। वी ईट एंड ड्रेस अप डिफरेंटली इन एवरी सीजन। और हम हर सीजन में अलग अलग तरह के यानी कि डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। इवन आवर एक्टिविटीज चेंज, यहाँ तक कि हमारी जो
एक्टिविटी होती है कि जो हम काम करते हैं वो भी हमारे बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं विद द चेंज ऑफ सीजन, जैसे सीजन चेंज होता है। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।